बच्चों के दिमाग को पहुंचाता है नुकसान। देर रात तक जागना बच्चों के मस्तिष्क को काफी नुकसान पहुंचाता है। यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल ऑफ ज्यूरिख के शोधकर्ताओं ने एक नए अध्ययन में पाया कि पर्याप्त नींद की कमी बच्चों के मस्तिष्क को पूर्व में लगाए गए अनुमान से कहीं अधिक नुकसान पहुंचा सकती है। इससे बच्चों के विकासशील मस्तिष्क में सभी हिस्सों पर घातक असर पड़ता है। हर हिस्से पर असर वैज्ञानिक अरसे के आगाह करते रहे हैं कि वयस्क समेत सभी लोगों को प्रतिदिन कम से कम 8 घंटे सोना चाहिए। ऐसा नहीं करने से मस्तिष्क के अगले हिस्से को नुकसान पहुंचाता है जो याददाश्त के लिए जिम्मेदार होता है। लेकिन नए अध्ययन के दर्शाए कि नींद की कमी से खासकर बच्चों के मस्तिष्क के पिछले हिस्से को भी काफ़ी नुकसान पहुंचाता है। मस्तिष्क का पिछला हिस्सा सुनियोजित गतिविधियों, तर्कशीलता और ध्यान के लिए जिम्मेदार होता है। परिपक्वता में बाधा। प्रमुख शोधकर्ता सेलोन कुर्थ ने कहा, खतरनाक बात यह है कि देर रात तक जगने के दुष्परिणाम बच्चों पर तात्कालिक नहीं दिखते, इसके नतीजे दीर्घकालीन होते हैं। उन्होंने कहा, नींद की प्रक्रिया संभवतः बचपन के दौरान मस्तिष्क के नेटवर्क के निर्माण में शामिल रहती है, इसी कारण उसमें बाधा आने से मस्तिष्क की परिपक्वता पर प्रभाव डालता है। कुर्थ ने कहा, हमारे शोध से पता चला है कि बच्चों के मस्तिष्क के पिछले हिस्से को पूरे विकास के लिए उन्हें पर्याप्त नींद लेनी चाहिए, इसके लिए उन्हें देर रात तक जगने से बचना होगा। नुकसान का आंकलन। शोधकर्ताओं ने कहा, बच्चा और वयस्क दोनों को देर रात तक जगने के बाद इसकी भरपाई के लिए कुछ समय तक गहरी नींद में सोना जरूरी हो जाता है। भरपाई की अवधि में मस्तिष्क में एक विशेष विद्युतीय पैटर्न में बढ़ोतरी होती है, जिससे धीमी गति की गतिविधियां स्लो वेव एक्टिविटी जिसे कहा जाता है, इसे इलेक्ट्रॉनिक सेफालोग्राम नामक तकनीक से मापा जा सकता है। इससे यह पता लग सकता है कि मस्तिष्क के कौन से हिस्से अन्य हिस्सों के मुकाबले धीमी गति विधि प्रदर्शित कर रहे हैं। इस तरह नींद में कमी से प्रभावित हिस्सों की पहचान की जा सकती है। इससे बच्चे के मानसिक विकास के संभावित नुकसान का अनुमान भी लगाया जा सकता है। 13 बच्चों का अध्ययन। शोधकर्ताओं ने 5 साल से 12 साल तक के 13 बच्चों पर यह अध्ययन किया। ये बच्चे देर रात तक जगते थे, इसीलिए जरूरत से 50% कम नींद ले रहे थे। शोधकर्ताओं ने सबसे पहले इनके सोने के स्वरूप का आकलन किया। यह आकलन रात के दौरान उनकी सामान्य नींद के दौरान किया। यह आकलन कहीं रात को किसी किया गया। पता चला कि देर रात तक जगने और जरूरत से आधी नींद लेने के कारण बच्चों के मस्तिष्क के पिछले हिस्सों में धीमी गति की गतिविधियां बढ़ गई थी। जाहिर तौर पर बच्चों की तर्कशीलता और एकाग्रता की क्षमता पर असर पड़ रहा था। गहरी नींद से फायदा।
अध्ययन के अगले चरण में शोधकर्ताओं ने बच्चों को गहरी नींद का अवसर मुहैया कराया। उन्होंने पाया कि गहरी नींद लेने के बाद बच्चे के मस्तिष्क में माइलिन के मौजूदगी पर सकारात्मक प्रभाव पड़ा। माइलिन वसा आधारित एक सूक्ष्म संरचना है जो मस्तिष्क के विकास की आधारशिला माना जाता है। यह मस्तिष्क के कोशिकाओं के बीच सूचनाओं के लेन देन को तेज बनाने में मददगार होती है। इसकी MRI तकनीक से माप की जा सकती है।